यहाँ पर हनुमान जी जो है वो जल से प्रकट हुए थे। ये मंदिर लगभग 400 से 450 साल पुराना है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इससे पहले कि मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि आज मैं कहां आया हूं, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो देख रहे हो तो एक बार जय श्री राम ज़रूर बोलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बताता हूँ कि आज मैं कहाँ आया हूँ। तो पटना का महावीर मंदिर आप सभी लोगों ने देखा होगा। आज मैं आया हूँ पटना सिटी के बेगमपुर में स्थित जल्ला हनुमान मंदिर में। ये पटना महावीर मंदिर जो आपने देखा है उससे भी बहुत बड़ा मंदिर है और ये भी बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो इस मंदिर के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये मंदिर लगभग 400 से 450 साल पुराना है और मतलब ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी जो हैं वो जल से प्रकट हुए थे, शायद इसीलिए यहाँ का नाम जल्ला हनुमान मंदिर पड़ा। मुझे इतना पता नहीं, जितना मैंने रिसर्च किया मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम लोग अंदर चलेंगे मंदिर में और यहाँ की कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो ये मंदिर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं उसकी क्या कहानी है, क्या यहाँ का महत्व है, और अगर हमारी पुजारी जी से बात हुई तो वो भी करने की कोशिश करेंगे और जितना हो सकेगा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और हनुमान जी के दर्शन करते हैं। चलिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखोर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक पल चारी बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पटना का जल्ला महावीर हनुमान मंदिर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही फेमस है यहाँ पर बेगमपुर पटना सिटी में। तो यहाँ पर आप लोग एक बार ज़रूर विज़िट करिए।
होता है कि यहाँ पर पहले सिर्फ मतलब इस एरिया में सिर्फ पानी हुआ करता था, यहाँ पर मंदिर नहीं था। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि ये मंदिर जो है 400 से 450 साल पुराना है, तो यहाँ पर पानी हुआ करता था और इसी वजह से इस मंदिर का नाम जल्ला हनुमान मंदिर पड़ा है, जहाँ तक मैंने सुना है और रिसर्च किया उससे मुझे पता चला। मैंने सोचा कि मैं कोशिश करूँ कि यहाँ के पुजारी जी से बात करूँ, लेकिन बात नहीं हो पाई। तो ये मंदिर आप लोग ज़रूर विज़िट करें, एक बार ज़रूर आए यहाँ पर, और बहुत अच्छी जगह, बहुत पीस है यहाँ पर, बहुत सुकून है, अच्छा लगता है। जैसे पटना का महावीर मंदिर है, वैसे ये भी हनुमान जी का बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पर आप लोग एक बार ज़रूर आइए। ये पटना के बेगमपुर में है, बेगमपुर पटना सिटी में है। तो बहुत सारे रूट्स हैं आने के, तो अब रूट मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग गूगल मैप पे चेक कर सकते हो। और अगर ऐसा ज़्यादा कुछ रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गूगल मैप्स का, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।